मुजफ्फरपुर लोकसभा 15 जो कि कांग्रेस के लिए खास तौर से कहा जाए तो बिहार कांग्रेस के लिए हॉट सीट माना जा रहा है। इस पर कहीं न कहीं एनडीए के साथ साथ इंडिया का भी पूरा नजर है और इस सीट पर वर्तमान में पेच फंसा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर पूर्व में लड़े हुए प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह अपनी दावेदारी ठोक दिए हैं, दिल्ली में बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उनके जो नाम की चर्चा है वह सबसे पहले यानी कि स्क्रीनिंग कमेटी भी चल रहा है। बताया जा रहा है कि प्रदीप कुमार सिंह का टिकट लगभग 99% कन्फर्म है और 1-2 दिन में 1% यानी 100% हो जाएगा। मिले सूत्रों के अनुसार प्रदीप सिंह काफी लोकप्रिय प्रत्याशी पूर्व में भी रह चुके हैं और वर्तमान में भी है और काफी सामाजिक वर्क भी करते हैं, जैसे लोगों से मिलना जुलना, उनके दुख सुख में हेल्प करना, उनके साथ जो भी क्रियाकलाप है, आप कहे तो शादी विवाह आदि कार्य निरंतर करते रहते हैं। वहाँ से अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारे जो रिपोर्टर हैं उनके अनुसार मिली जानकारी के अनुसार भी यह भी बताया गया कि प्रदीप कुमार सिंह का जिस तरह से भूमिहार समाज अपना नेता मुजफ्फरपुर में मान रहा है, मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि वैशाली कह सकते हैं, जहानाबाद भी कह सकते हैं, बिहार के कुछ 8 से 10 जिले हैं जिसमें कहे तो प्रदीप कुमार सिंह की पकड़ अच्छी है। यह माना जा सकता है कि कांग्रेस नेतृत्व प्रदीप सिंह पर अपना विश्वास जता रहा है। वहीं जब हमारे रिपोर्टर ने प्रदीप सिंह से बात किया तो प्रदीप सिंह ने बताया कि यदि आला कमान मेरे ऊपर भरोसा जताता है तो मैं कांग्रेस को मुजफ्फरपुर सीट उनके झोली में डालने का काम करूंगा और जो 40 लोकसभा क्षेत्र है उनमें सबसे ज्यादा वोट से मुजफ्फरपुर को जीत दिलाने में मेरा अहम रोल होगा, जिसके लिए मैं जनता जनार्दन आम आवाम जो भी मुजफ्फरपुर की है सभी का मैं आभारी भी रहूंगा। खैर, चुनाव नजदीक है और चुनाव का बिगुल बज चुका है, तापमान भी बढ़ रहा है और चुनाव की सरगर्मी भी बढ़ रही है। देखना ये है जो प्रदीप सिंह के समर्थक जो दावे कर रहे हैं या जो कांग्रेस कार्यालय से हमारे रिपोर्टर ने जानकारी हासिल की है वाकई में सत्य साबित हो जाता है तो प्रदीप सिंह कहीं न कहीं लोकसभा के दावेदार हो जाएंगे। और दावेदार होने के बाद उनका कहना है कि जैसे मैं पूर्व में सेवा किया हूँ, चाहे वह कोरोना का टाइम हो या फिर साड़ी बांटना या धोती बांटना या फिर गरीब लड़कियों का शादी कराना, ऐसे कार्य जो मैं पहले से करते आया हूँ, अपने पैसे से आगे भी कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के नेतृत्व में ऐसा कार्य करता रहूँगा और राहुल गांधी के एक मजबूत सिपाही बनकर मैं कांग्रेस पार्टी की सेवा करता रहूँगा, यह मेरा वादा है। ऐसा जब हमारे संवाददाता ने बात किया तो प्रदीप सिंह का कहना था। खैर चलिए, अब यह देखना है क्या प्रदीप सिंह के झोले में यह सीट जाती है। वहां पर बड़े बड़े दावेदार, लेकिन उन दावेदारों को पीछे छोड़कर प्रदीप सिंह बहुत मजबूती के साथ आगे की ओर बढ़ रहे हैं।